हेलो एवरीवन, माय नेम विशाल गुप्ता। आई जस्ट सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 45 इन गेट 2021। जैसा कि मतलब इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि जैसे लोगों के बीच मिथ फैला हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में कि या तो कोचिंग चाहिए आप लोग को पढ़ाई के लिए या फिर साल भर की प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं ऐसे कि आपको याद है 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तो इस चक्कर मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो मेरी पढ़ाई थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैं हॉस्टल या फिर स्कूल कॉलेज खोलने इंतजार कर रहा था। तो मेरी पढ़ाई अक्टूबर की लास्ट से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने करीब 90 डेज प्रिपरेशन की थी। तो मैंने उस प्रिपरेशन को लेकर कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी बुक्स फॉलो की, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप उसको करके अभी इसी तरह कर सकते हो टॉप 50 बनाने के लिए, ठीक है। तो एजुलसी के लिए मैंने एक बुक फॉलो की थी, न्यूमिकल अप्रोच इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें से सेक्शन सी और सेक्शन डी आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना उसमें। फार्म पावर मशीनरी के लिए सिंगल बुक आसिमा जिलानी के लिए नहीं है, ठीक है। जो ये बुक आपको दिल्ली से मिलेगी, तो इसको इस बुक को बाय करने के लिए आपको फ़ोन नंबर में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। और उसके बाद फूड के लिए सिंगल बुक सॉल्व न्यूमिकल प्रॉब्लम्स इन फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मोहम्मद इनफार अंसारी। हाइड्रोलॉजी के लिए आपको बुक लेनी है के सुब्रमण्यम। और इन सब करने के बाद भी आपके आईडी और जलूस के कुछ कोर्सेज बाकी रहेंगे, जो आपको लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर कवर करने में पता लगे कौन कौन से। तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग टेस्ट सीरीज लीजिए, और उसमें से जो हाइड्रोलॉजी, सॉयल वाटर और आईडी के जो क्वेश्चन उसमें टेस्ट सीरीज में दिए हैं, आप उनको सॉल्व करिए। फार्म और फूड के सेक्शनल वाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपको एजुलसी और आईडी का करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन बुक जो मैंने आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो किए हैं, जैसे पहला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑनलाइन, सेकंड है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्रैक गेट ऑनलाइन, थर्ड है गेट फॉल, और फोर्थ है गेट एग्रीकल्चर एग्री गेट फॉर एवर। तो मैं इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ाएँ, तो जो कॉन्सेप्ट कुछ टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती वो आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने लास्ट 10 साल के पेपर एटलीस्ट 2 बार लगाए थे प्रॉपर टाइम देख के। और जैसे कि आपको पता है कि टाइमिंग होता है 9 से 12, 9:30 से 12:30, तो मैंने वही टाइम देखे, 3 घंटा प्रॉपर टाइम देखे। एवरी संडे बैठ के मैं एक ही पेपर लगाता था। शुरुआत में मार्क्स उसमें कम आते थे, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको बस आपको पेपर इसलिए लगाना है कि आपको एनालाइज हो कि आपकी गलतियाँ कहाँ आ रही है, आपके वीकर सेक्शन कौन से हैं, तो आपको उस टॉपिक को ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे, लास्ट पेपर नहीं लगाएंगे, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। और उसके बाद मैंने ये एक गेट फॉर ऑल कोचिंग की मैंने पेपर लिया टेस्ट सीरीज, उसके लास्ट के मैंने केवल फुल 5 मार्क्स दिए उस, और उसमें से मुझे एनालाइज हुआ कि वो भी मैं 3 आवर देख के देता था। तो उसका लेना जरूरी इसलिए था कि मैं ऑल इंडिया जितने बच्चे उसमें देते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, तो मैं उनसे उनके कॉम्पिटिशन मुझे पता लग पाया कि मैं किस रैंक में आता हूँ। उसके बाद उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो गेट के क्वेश्चन तो होते ही हैं, लेकिन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको नए टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का नया तरीका मिलेगा, नया माइंड सेट डेवलप होगा आपके। उसमें शुरुआत में हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, मार्क्स कम आए, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। किसी भी टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर लगा, लास्ट पेपर लगाने में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ और कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और एक और चीज़, आपको कैलकुलेटर आपको फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करना है, आपको उसी को यूज़ करना है। और जो मैंने बुक्स बताई हैं या फिर जो वीडियोज़ हैं, तो आपको उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कैसे बुक्स को अप्रोच करना है, इन बुक्स को कैसे पढ़ना है, पहले कौन सा पढ़ना है, लास्ट मतलब पैटर्न आपको कोई जानना है, हेल्प की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब जितना मैंने जानना है कि मैं टीम में जब लेट पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ वाले काफ़ी आगे से पढ़ाई कर रहे थे, मतलब उन लोगों ने कोचिंग भी ले ली थी, तो उनका साल भर प्रिपरेशन चल रही थी, मार्च से उनकी स्टार्टिंग चल रही थी, लेकिन मैंने अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया था। तो मुझे थोड़ा डर सा था कि मेरा हुआ होगा नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो बहुत बढ़ गया है। अब आप लोग देखिए लास्ट 2 साल से हमारा गेट का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो उसको मैं देखते हुए फिर एक डर आया था अपने हर स्टूडेंट के अंदर आएगा। और अकेले हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ना हम लोग ग्रुप स्टडी कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई ग्रुप स्टडी चांस ही नहीं, तो डर बना ही रहता है, ना कोई सपोर्ट करने वाला ना कुछ। एक सीनियर थे जिनकी हेल्प से मैंने सब बुक्स कवर की थी, तो बस मुझे एक चीज़ पता लगी, गेट को क्रैक करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, पेशेंस, डेडिकेशन और परसिवरेंस। तो जैसा कि आप लोग पता है कि एग्रीकल्चर का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो अगर आप लेट स्टार्ट करोगे पढ़ाई, तो आपको बीच बीच में अपने फ्रेंड्स को देखोगे कि उनकी पढ़ाई काफ़ी आगे चल रही है, तो आपको थोड़ा डिमोटिवेशन का फील होगा। या फिर आप देखोगे कि जब आपके डेली टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, या फिर आप जो सोच रहे हो तब पढ़ लियो तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है,
या फिर आप कई बार होगा कि आप कुछ दिन पहले का पढ़ा हुआ भूल जा रहे हो, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर सॉल्व प्रीवियस पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या फिर छोटी चीज़ जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो वो चीज़ दोबारा कुछ दिन बाद नहीं लगा पा रहे हो, भूल सा गया, तो ऐसे कई बार आपको गड़बड़ होगी। तो आपको ऐसे उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस लगे रहना है। आपको एट द लास्ट यही सोचना है कि आपने इसकी शुरुआत क्यों की थी, आपने क्यों गेट चुना था, आपने बाकी चीज़ों को ऑप्शन को छोड़ के हटा के MBO चाहे गवर्नमेंट सर्विस तैयारी उसको हटा के आपने गेट की तैयारी क्यों शुरू की थी। आपको बस यही सोचना है, आपको अपना एक वो मोटिव रखना है कि आप किस लिए कर रहे हो, होता आपको कोई एम्बलम हो या फिर पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए भी कर रहे हो, आपका ड्रीम हो, आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। और एक यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर गेट जिसको मैं फॉलो करता था क्योंकि उसमें मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, लास्ट ईयर पेपर्स को कैसे अप्रोच करना है और टेस्ट सीरीज को कैसे लगाना है, बुक्स को जो मैंने बुक्स आपको बताई थी वो बुक्स कैसे फॉलो करनी है, और कुछ डिमोटिवेशन होने पे कैसे अपने आप को रिकवर करना है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के बारे में इस चैनल पर एग्रीकल्चर गेट चैनल पर बताया गया है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसको फॉलो करना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर बुक्स के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आप कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, तो हम लोग पॉसिबल ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू।